आपको तकलीफ पहुंचाने वालों के लिए बेहतरीन बदला। इंसानी सलूक की नफसियात। आप जितनी फिक्रें कम करेंगे आप उतना ही ज्यादा खुश रहेंगे। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं अकेले में लुत्फ उठाना सीखें। अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करें कि फिर कोई भी चीज आपके जहनी सुकून को खराब ना कर सके। खामोशी और मुस्कुराहट दो ताकतवर हथियार हैं। मुस्कुराहट बहुत से मसाइल को हल करने का जरिया है और खामोशी बहुत से लोगों से बचने का तरीका है। माजी में ना जाके कि क्या हुआ था, ख्वाब ना देखे कि मुस्तकबिल में क्या होगा, बल्कि मौजूदा लम्हात पर तवज्जो मरकूज रखें। अपना मुंह सिर्फ इस सूरत में खोलें कि आप क्या कहने जा रहे हैं, और ये ज्यादा खूबसूरत है खामोशी से। अपनी खुशी कभी दूसरों में तलाश ना करें, क्योंकि फिर आप तनहा महसूस करेंगे, बल्कि उसे अपने अंदर तलाश करें। आप खुशी महसूस करेंगे यहां तक कि जब आप अकेले होंगे। अकेले खड़े होने का मतलब ये नहीं कि मैं अकेला हूं, इसका मतलब है कि मैं काफी मजबूत हूं कि चीजों को खुद ही संभाल लेता हूं। अपने आप पर भरोसा करें, आप बहुत बच जाएंगे और हर सूरत जिंदा भी रहेंगे। कबूल करना सीखें, तवक्को करना छोड़ दें, तो फिर जिंदगी बहुत आसान है। गलत होने पर माफी मांगे, ना कि ईमानदार होने पर। जब आप खुश हों तो वादा ना करें, जब आप गुस्से में हो तो जवाब ना दें, जब आप उदास हों तो कोई फैसला ना करें। अगर आप मुस्बत रहते हैं मनफी हालात में भी तो आप जीत जाते हैं। जब गलत लोग आपकी जिंदगी में आपको अकेला छोड़ देते हैं तो सही चीजें होना शुरू हो जाती हैं। आपको नुकसान पहुंचाने वालों के लिए बेहतरीन बदला। आपको ये जाहिर करना है कि वो अब नहीं है जो आपको रुलाते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस करते हैं। उठे, कपड़े पहने और करके दिखाएं। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारे जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।